गाइस वेलकम टू नोबेल टेक एजुकेशन। मेरा नाम मोहित शर्मा है और जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे उनमें पेज की प्रॉपर्टी समझी थी। पूरा पूरा पेज जो प्रॉपर्टी थी वो हमने क्लियर की थी, ठीक है। एंड पिक्चर्स भी हमने देखी थी, पिक्चर्स की हमने ऑनलाइन जो पिक्चर्स होती हैं वो भी कैसे ले सकते हैं वो भी हमने क्लियर किया था, और शेप हमने क्लियर किया था, है ना। लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी टेबल की प्रॉपर्टीज क्लियर की थी, अगर आपने वो वाली भी नहीं देखी तो प्लीज़ वीडियो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो वीडियोस हैं वो वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के टॉपिक है हमारे, आज के टॉपिक आप देख सकते हैं हमारे स्मार्ट आर्ट और चार्ट है, ठीक है। तो हम स्मार्ट आर्ट करेंगे पहले, तो भाई स्मार्ट आर्ट होता क्या है, उसके बाद हम करेंगे चार्ट्स कि भाई हम चार्ट्स का यूज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं टॉपिक स्टार्ट, हम इंसर्ट में चलते हैं। सबसे पहले इंसर्ट में गए, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट होता क्या है, स्मार्ट आर्ट होता है ग्राफिकली वे शो कराना, जैसे आप देख पा रहे हैं लिखा भी आ रहा है इंसर्ट आ स्मार्ट आर्ट। तो हम कोई भी ग्राफिकली वे में अपने डेटा को शो करा सकते हैं लाइक दिस। हम आ गए यहाँ पर लिस्ट में चाहिए, लेकिन लिस्ट के भी हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि भाई लिस्ट में भी आपको किस तरीके से चाहिए, है ना। प्रोसेस लेना है तो प्रोसेस भी देख सकते हैं भाई, प्रोसेस भी किस तरीके से, ठीक है। साइकिलिंग लेना है तो साइकिलिंग भी ले सकते हैं आप, साइकिलिंग प्रोसेस आपको इंडिकेशन हो रहा है भाई साइकिलिंग प्रोसेस आपको कैसे चाहिए, ठीक है। ऐसे और भी ऑप्शन हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं, रोटेशन से, पिक्चर्स से, पैरामिड से, और जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल तो मैं साइकिल लेके चलते हैं, हम साइकिलिंग ऑप्शन हमने लिया। साइकिलिंग में हमने इस ये वाला टाइप का हमने लिया, ठीक है, और इसको हमने ओके कर दिया। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा शो रहा है डिस्प्ले पे, मैं ऐसे टेक्स्ट पेन को इसको ऑफ कर देता हूँ पहले। अभी हमारा जो साइकिलिंग दिखा रहा है, आप साइकिलिंग में अपने अपनी कंपनी का डेटा दिखा सकते हैं। अभी फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है, सेकंड स्टेप हम ये करते हैं, थर्ड ये होता है, फोर्थ एंड फिफ्थ। इस तरीके से आप इंडिकेशंस दे सकते हैं साइकिलिंग के थ्रू, या कोई भी और ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें डिज़ाइन एंड फॉर्मेट दो ऑप्शन हमारे आते हैं हमारे सामने। डिज़ाइन करते हैं पहले, डिज़ाइन में देखो फर्स्ट आता है शेप, आपको शेप इंसर्ट करनी है। देखिए शेप हो रही है हमारी इंसर्ट। बुलेट्स, आपको बुलेट्स या बुलेट्स लगा सकते हैं, ये टेक्स्ट पेन होता है, पहले टेक्स्ट पेन में चलते हैं। बुलेट्स आपको यहाँ इंडिकेशन होंगे, देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं बुलेट्स लग रहे हैं हमारे, ये हमारा टेक्स्ट पेन होता है। टेक्स्ट पेन इट्स मीन्स जो भी हमने लिखा है हमारे ग्राफ में, है ना, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखती है। अब प्रमोट और डिमोट क्या होता है, प्रमोट होता है अलाइन करना। देखो जैसे अलाइन कर लिया हमने, डिमोट करते हैं तो बुलेट्स को अलाइन कर रहा है, देखिए, ठीक है। इसके बाद राइट टू लेफ्ट, अभी जो एरोज हैं हमारे वो राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, सब देख पा रहे हैं ये एरो हमारे राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ भाई ऐसा ना आए, लेफ्ट टू राइट आए, तो मैंने इसे लेफ्ट टू राइट कर लिया है। आप देख पा रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हमारे, है ना। मैं इस टेक्स्ट पेन को ऑफ करता हूँ, ये टेक्स्ट पेन की हमें जरूरत नहीं है। अब आता है शेप, मूव अप। मूव अप क्या होता है, अप में जाने के लिए, देन डाउन, डाउन के लिए, ठीक है। आप यहां से आपसे कोई भी लेआउट चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको लेआउट चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप यहां से ले सकते हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट लेआउट ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं, अब आपको जैसा भी लेआउट चाहिए आप यहां से लेआउट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं फिलहाल उसी लेआउट को लेकर चलता हूँ जो हमने लेआउट स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर कलर्स, आपको कलर चेंज करने हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए जो भी कलर चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप कलर्स का यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे ऑप्शंस आते हैं, यहाँ से भी हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं इसका। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से इसका स्टाइल चेंज हो रहा है ना हमारा, ठीक है। अब रीसेट, मतलब जो भी ग्राफिकल चेंजेस आपने इसमें किए हैं वो सारे पहले जैसा हो जाएगा, जैसे लाइक दिस, ठीक है। फिर फॉर्मेट में आते हैं, फॉर्मेट में हमारे ऑप्शन आते हैं जो आपने फॉर्मेटिंग हमने की थी स्टार्टिंग में, जैसे शेप की हमने जो हमने शेप की प्रॉपर्टीज की थी, शेप की प्रॉपर्टीज में सारे ऑप्शन आए थे हमारे सामने वो। अब आगे करते हैं, देखते हैं इसे कलर फिल करना, आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं, ग्रेडियंट लगा सकते हैं और टेक्सचर लगा सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि आप इस तरीके से लाइक दिस आप लगा सकते हैं जो भी आपको चाहिए, ठीक है। इवन अगर आपको शेप की आउटलाइन कैसे चाहिए आप वो इम्पोर्टेंट है, आप आउटलाइन देखिए देख सकते हैं जो भी चाहिए, उसकी विड्थ अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं जैसे भी विड्थ चाहिए, और उसका कलर अपने अकॉर्डिंग आप मेंशन कर सकते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ भाई ऐसे ही डेसिस में आए, डेसिस में ले लेते हैं, कलर भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर इफेक्ट्स, आपको इफेक्ट कैसे देने हैं अपने अकॉर्डिंग आप इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर शेडो,
ये रिफ्लेक्शन देखिए, इसका रिफ्लेक्शन हमने दिया होगा, रिफ्लेक्शन हमें इंडिकेट हो रहा है नीचे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर आगे आता है इसके अंदर रिफ्लेक्शन के साथ साथ इसमें और भी ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो आप सॉफ्ट एजेस यूज कर सकते हैं या कोई और ऑप्शन यूज कर सकते हैं, रोटेशन भी ले सकते हैं आप, रोटेट करना है तो। देखिए रोटेट हो रहा है हमारा डेटा, है ना। अब ये आता है वर्ड स्टाइल। वर्ड स्टाइल के लिए हमारे पास टेक्स्ट लिख चाहिए, हमें टेक्स्ट हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट में आए, मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, ऐसे अपने नाम लिख लिया मैंने, ठीक है। इसका मैं थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, जिससे आप अच्छे से देख पाए कि भाई चेंजेस हो भी रहे हैं नहीं हो रहे हैं, है ना। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरा नाम नाम हमने सही नहीं लिखा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैंने अपने डेटा को नाम को सिलेक्ट किया लाइक दिस। अब इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो हमारा पीछे जो हमारे ऑप्शंस थे वो हाईलाइट नहीं हो रहे थे, वो अब हमारे हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है, शेप्स वाले। अब यहाँ से आप कौन सा कलर चाहिए, देखिए कलर ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से, ठीक है। जो भी कलर चाहिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप ले सकते हैं। टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट के अंदर कौन सा कलर चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, नो फिल में कोई भी शो नहीं होगा। पिक्चर्स लगा सकते हैं आप इसके अंदर, ग्रेडियंट्स यूज कर सकते हैं, टेक्सचर यूज कर सकते हैं, और भी बहुत चीज़ इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। जैसे मेरे को ग्रेडियंट चाहिए था, मैंने ग्रेडियंट ले लिया, आपको कोई और चाहिए आप कोई और ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं इसके अंदर, आगे ऑप्शन से हमारे आ रहे हैं आउटलाइंस। अब टेक्स्ट की आउटलाइन कैसे चाहिए आपको, जैसे हमने शेप की करी आउटलाइन, हमने पिक्चर्स की आउटलाइन की, अब हम करेंगे टेक्स्ट की आउटलाइन कैसे करते हैं। टेक्स्ट की आउटलाइन कलर कोई भी ले सकते हो जो भी चाहिए। अब उसकी विड्थ कितनी रखनी है, विड्थ अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने विड्थ उसकी इंक्रीज कर दी यहाँ से लाइक दिस। देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं उसको हमारा टेक्स्ट भी शो नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने उसकी विड्थ इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर दी है ना। अब मैं इसकी विड्थ को कम कर लेता हूँ, जैसे हमने यहाँ से इसकी विड्थ कम कर ली, तो आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट को। तो इस तरीके से आप इसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, जो भी आपको करना है अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है टेक्स्ट इफेक्ट्स। आपको इफेक्ट कैसे देना है, जैसे आपने पिक्चर्स में इफेक्ट दिया था, शेप में भी दिया था, स्मार्ट आर्ट में भी ऑप्शन हमारे पास आया था, अब हमारे पास टेक्स्ट में भी है ना। तो मैंने टेक्स्ट में ले लेता हूँ उसका रिफ्लेक्शन ही अगेन, तो उसका रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं आप नीचे में, इंडिकेशन भी हो रहा है ना। तो आपको जो भी चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, पोजीशन, रैप टैक्स, ब्रिंग बैकवर्ड फॉरवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन करना, ग्रुप करना और रोटेट करना, जो सारे के सारे हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने कंप्लीट किए थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके अंदर आपके सारे के सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इसके साइज ऑप्शन में जाते हैं, साइज में क्या रहा है, साइज में अगेन इसकी हाइट एंड विड्थ अपने अकॉर्डिंग आप इसके रख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। जैसे मैं यहाँ से इसकी हाइट इनकेस हो रही है, आपको विड्थ विड्थ चाहिए विड्थ कर सकते हैं, जो भी आप कुछ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं इसका जूम इन कम करता हूँ, अब हमें दिखेगा है ना यहाँ पे सही से, अच्छे से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हाइट एंड विड्थ को अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा स्मार्ट आर्ट था, जो आपको आई होप समझ आ गया होगा पूरा। फिर इसके बाद आता है हमारा ग्राफ, चार्ट्स। आपको चार्ट यूज करना है, चार्ट भी यूज कर सकते हैं अपना। मैं कंट्रोल एन करके नई नया पेज ले लेता हूँ, जिसके जरिए हम चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं अपना, ठीक है। आपको क्या आता है पर्सन, आपको कि भाई आपको जो डेटा है वो ग्राफिकल वे में नहीं, मुझे वही चार्ट पे बेस पे दिखाओ, तो मैं उसको चार्ट बेस पे भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। इंसर्ट में चलते हैं, चार्ट ऑप्शन। अब चार्ट चाहिए तो चार्ट भी कैसा चाहिए आपको, चार्ट अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, जो भी चार्ट आपको चाहिए, ठीक है। मैंने कॉलम्स में ले लिया, आपको लाइन है, पाई आ रहा है, बार आ रहा है, एक्सिस है, एक्स वाई है, स्टॉक्स है, आपको जो भी चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। मैं सपोज कॉलम का ले लेता हूँ, अब कॉलम में भी कैसे चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे आपको चाहिए। मैंने ये वाला ले लिया क्योंकि मेरे को ये वाला चाहिए था, आपको कोई और चाहिए आप कोई भी और ले सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने इसको ओके कर देते हैं, तो हमारा चार्ट देखिए हमें शो हो रहा है डिस्प्ले पे, ठीक है। इसके बाद हमारी एक्सेल की शीट ओपन हो गई, देखिए हल्की सी छोटी सी, जिसके अंदर हम डेटा की एडिटिंग कर सकते हैं, डेटा मेंशन कर सकते हैं, जो भी हम डेटा यहाँ मेंशन करेंगे वही डेटा आपको इसके अंदर शो होगा, ठीक है।
तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेंजेस कर दिए, 98 कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे थर्ड नंबर जो सीरीज थी वो सबसे ऊपर चल चली गई, बाकी सारे हमारे डाउन में आ गए। ठीक है, आपको कुछ और चेंजेस करने हैं हम कोई और चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको 75 दे दिया तो 75 शो हो रहा है हमारा कि आपको कोई और देना, आप कोई और दे सकते हैं। मतलब इन केस जो भी आपको देना है वो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग डेटा को मेंशन कर सकते हैं, वही डेटा आपको शो होगा आपकी डिस्प्ले पे। ठीक है, मैं फिलहाल इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हमें इसकी अभी प्रॉपर्टीज भी चेक करनी है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी। फर्स्ट आता है टाइटल, एक्सिस टाइटल हम यहाँ से देखते हैं भाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल चाहिए वर्टिकली चाहिए, एक्सिस होता क्या है। मेन आता है एक्सिस जो होते हैं हमारे, जैसे ये हमारे शोर इंडिकेशन कि 100, 19, 80, 70, और ये हमारे एक्सिस होते हैं आपको चाहिए, तो आप लिस्ट देख सकते हैं कि भाई एक्सिस आपको कैसे चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली। ठीक है, अब एक्सिस टाइटल आपको कहाँ पे चाहिए, टाइटल अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली। ठीक है, एक्सिस का टाइटल आप दे सकते हैं। चार्ट टाइटल आपको चाहिए शो कर सकते हैं, हाइड करना हाइड कर सकते हैं, जो भी आपके ऊपर। अब चार्ट कहाँ चाहिए, अबव में चाहिए सेंटर में चाहिए, आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर इसके बाद आता है लेबल, आपको लेबल किस तरीके से चाहिए, लेबल अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। जैसे नन शो नहीं हो रहा है, कॉल आउट में सारी डिटेल हमें बता रहा है अभी कौन सी कैटेगरी है, क्या सीरीज है, सब कुछ हमें इंडिकेशन मिल रहा है। डेटा लेवल, डेटा लेवल में हमारे लीजेंड्स आते हैं, आप चाहो तो लीजेंड्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप देख पा रहे हैं नीचे लीजेंड्स शो हो रहे हैं हमारे, आपको अगर लीजेंड्स की रिक्वायरमेंट है तो लीजेंड्स शो कर सकते हो, इवन रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, और लीजेंड्स में चलते हैं, नो लीजेंड्स, हमने लीजेंड्स को हटा दिया, नन कर दिए बिल्कुल ही, तो हमें शो ही नहीं हो रहा है। ग्रिड लाइंस चाहिए, ग्रिड लाइंस देख सकते हैं आप कैसे चाहिए आपको, वर्टिकली चाहिए, हॉरिजॉन्टली कट चाहिए या कैसे चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट है। फिर अब लीजेंड आपको चाहिए कहाँ, नन कहीं शो नहीं होंगे, राइट टॉप लेफ्ट एंड बॉटम अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं जहाँ पर भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिर अब इसका लेआउट चेंज करना है, मैं इसका लेआउट भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ लाइक दिस। आप कोई भी इसका लेआउट ले सकते हैं जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट है, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना है, कलर भी आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो भी कलर आपको चाहिए। ठीक है, फिर अब चार्ट का टाइटल, चार्ट स्टाइल अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, जैसे मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा है, आपको कोई और चाहिए आप कोई और ले सकते हैं, जैसे ब्लैक, इवन कोई और चाहिए कोई और ले सकते हैं, यहाँ पे हमारे पूरा पूरा वे शो हो रहा है। ठीक है, फिर आता है सिलेक्ट डेटा, अपना डेटा में जाना है, सिलेक्ट करते हैं डेटा तो हमारी एक्सेल की शीट ओपन हो गई और हमारा डेटा सोर्स भी ओपन हो गया है ना। अब मुझे सपोज सीरीज वन, सीरीज टू और कैटेगरी वन और कैटेगरी टू मुझे नहीं शो करने हैं, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना, तो मैं इसको यहाँ से अनहाइड कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ, तो सिर्फ हमें वही डेटा शो हो रहा है ना। आपको कोई और चाहिए आप कोई और ले सकते हैं जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट है, उसे शो करना शो कर सकते हो, हाइड करना हाइड कर सकते हो। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, चार्ट टाइटल हमारे, ये रजिस्टर। ठीक है, अब एडिट करना डेटा, मैं एडिट कर सकता हूँ, एक्सेल के अंदर ही हमारा एडिट होगा डेटा, क्यों, क्योंकि हमारा डेटा है एक्सेल के अंदर हमारा शो होता है हमारा डेटा। ठीक है, अब फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को कुछ और चेंजेस करने हैं, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना था, लॉस प्रॉफिट कितना हुआ है भाई, प्रॉफिट हम दिखा सकते हैं अपना कि भाई इतना लॉस हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है या फिर इतना रिजेक्शन हुआ है। ठीक है, मैंने हेडिंग ले ली, आपको कोई और चाहिए आप कुछ और ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमें रिजेक्शन दिखा रहा है भाई रिजेक्शन इतना हुआ है क्योंकि हमने बाकी चीज़ों को अनहाइड कर रखा है ना, अनचेक कर रखा है, इस वजह से हमें शो नहीं हो रहा है। इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। चेंज, अब मुझे ये नहीं चाहिए भाई कॉलम में मुझे कोई और चाहिए, आप कोई और भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहिए आपको। पाई में हम पाई में ले लेते हैं, पाई में शो होगा, अब हमें जैसे शो हो रहा है भाई कैटेगरी 3 और 4 और ये डेटा शो हो रहा है, आपको बाकी डेटा भी शो कराना है, सिलेक्ट डेटा में चलते हैं, सब कुछ शो करा देते हैं कि भाई लॉस कितना हो रहा है, प्रॉफिट क्या हुआ है, कौन सी कैटेगरी है, 1, 2, 3, 4 सब हमने शो कर दी। ये सब देख पा रहे हैं और मैं शो हो रहा है भाई कि लॉस की प्रॉपर्टी दिखा रहा है वो, प्रॉफिट की भी हमें इंडिकेशन मिल रहा है और सब चीज़ की मिल रही है। ठीक है,
अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर फॉर्मेट ऑप्शन भी चलते हैं, जब इसकी फॉर्मेटिंग हमारी बाकी है। ये रहा हमारा, ठीक है, फॉर्मेट्स पे चलते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। फॉर्मेटिंग भी सेम हमारी एज इट इज वैसी है जैसे हमने स्मार्ट आर्ट में की थी, हमने पिक्चर्स में की थी, हमने शेप्स में की थी, हमने जब और जो भी हम करते आए पीछे से उस समय हमारी फॉर्मेटिंग भी सेम एज इट इज है। ठीक है, तो जैसा आप कर सकते देख आपको चाहे तो दोबारा बता सकते हैं हम, ऐसी कोई इशू नहीं है। जैसे इसमें कलर फिल करना है तो हम कलर फिल कर सकते हैं कोई भी, जैसे इसके शेप फिल ऑप्शन आ रहा है जो भी शेप फिल करना है शेप फिल कर लो, पिक्चर्स लगा सकते हो उसके अंदर जो भी पिक्चर चाहिए अपने अकॉर्डिंग, ऑफलाइन या ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन ले लेता हूँ, कार या बाइक या जो भी आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप ले लो। इंसर्ट, देखिए जैसे मैं शो रही है ना, आपको कोई और चाहिए आप कोई और ले सकते हैं, जो भी आपको डेटा शो कराना है अपने अकॉर्डिंग उस पिक्चर्स को फिल कर सकते हैं इसके अंदर। आउटलाइन, अब आउटलाइन कैसे चाहिए अपने अकॉर्डिंग आउटलाइन भी इसकी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इसकी बढ़ा ली इंक्रीज। उसके बाद हमने कलर भी इसका कैसा चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप शो कर सकते हैं, देखिए शो हो रहा है मैं, है ना, विड्थ कैसे चाहिए, डेसिस में चाहिए या फिर नॉर्मली विड्थ चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। ठीक है, अब इसकी इफेक्ट कैसे देना है, शेप का इफेक्ट भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, जैसे शेडो ग्लो, हम ग्लो करा लेते हैं, ग्लो में जैसे मैं इंडिकेशन दिखता भी अच्छे से दिखता है, जिससे हमारे एजेस जो है वो एजेस हमारे ग्लो हो रहे हैं, देखिए आप देख पा रहे हैं एजेस ग्लो हो गए हमारे, है ना। फिर इसके अंदर जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का कलर कैसे चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग सारा ले सकते हैं। ठीक है, बाकी इसकी टेक्स्ट की और भी प्रॉपर्टीज है हमारे सामने, कलर्स, कलर्स अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से ले सकते हैं, नो फेल कुछ शो नहीं, अभी शो नहीं होगा। ठीक है, पिक्चर्स, आपको पिक्चर्स कैसे चाहिए पिक्चर अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट के अंदर पिक्चर भी हमें इंडिकेशन मिल जाएगी, है ना। ग्रेडियंट चाहिए ग्रेडियंट भी ले सकते हो, टेक्सचर चाहिए टेक्सचर भी ले सकते हो, आपको जो भी चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, वही चीज हमें शो होगी। आप चाहे तो इसका टेक्स्ट का चेंजेस भी कर सकते हैं, अब जैसे मैं रिफ्लेक्शन दिखाना है मुझे इसका इफेक्ट में, या कोई और चेंजेस करना है ग्लो कराना है हम इसको ग्लो करा लेते हैं, या कुछ और भी जो भी आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं, है ना। अब इसकी पोजीशन अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, भाई इसकी पोजीशन क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए, बॉटम में चाहिए, टॉप में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। रैप टेक्स, टेक्स के अकॉर्डिंग आपको डेटा शो कराना है भाई टेक्स के अकॉर्डिंग, तो आप वो भी कर सकते हैं। और बाकी ब्रिंग बैकवर्ड फॉरवर्ड ऑप्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिससे हम शेप्स को आगे पीछे रोटेट करके हम दिखाते हैं ना कि भाई शेप्स को कभी हम आगे मूव कर सकते हैं पीछे भी रोटेट कर सकते हैं, है ना। सिलेक्शन पेन, जो भी ग्राफिकल चीज होती है वो सारी चीज आपको यहाँ इंडिकेशन मिलती है, चाहे वो चार्ट्स हो चाहे वो ग्राफ हो, जो भी सब हमने पीछे किया था, है ना। हाइड ऑल कर देते हैं, चार्ट्स और शो करना शो कर सकते हैं, जो भी आपको करना है अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इसकी अलाइनमेंट आप ले सकते हैं, भाई सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं जहां पर भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बाकी ग्रुप करना है, ग्रुप के लिए एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट होने चाहिए हमारे सामने, जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, भाई ऑब्जेक्ट को हम एक बार में सेलेक्ट करते हैं रेड को ग्रुप करते हैं, है ना। फिर इसका रोटेट भी कर सकते हो आप, जैसे रोटेशन करना है रोटेशन भी कर सकते हैं, और इसकी हाइट और ब्रेथ को भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से हम। जैसे मैं यहाँ से इसकी हाइट ले लेता हूँ कुछ भी अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप देख पा रहे हो आप ब्रेथ अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए। ठीक है, और आई होप आपको ये वीडियो समझ, पूरा जो हमने चार्ट की प्रॉपर्टीज जो की वो आपको समझ आ गई हो, और स्मार्ट आर्ट जो किया वो भी आपको आई होप अच्छे से समझ आया हो। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब नोबल टेक एजुकेशन, और प्लीज़ इस चैनल को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं जो आप अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, जो हमने वीडियोस अपलोड की है उसमें कुछ समझ नहीं आया है, तो आप प्लीज़ इस पर हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और आप प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइए कि हमने वीडियोस बनाई है उसका किस तरीके से वीडियोस बनी है। ठीक है, और कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया उस पर भी आप कमेंट हमें कर सकते हैं। ठीक है, आई होप